हेलो गाइस वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर ट्वेंटी फोर सेवन मेरा नाम है प्रमोद अग्ररी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एम पी जो भी रिक्रूटमेंट आया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में वहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या तो आप ये मान सकते हैं कि एस एस में आपके एज ई टी सी पेपर आने वाला है और सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए मोनिका देवी हेलो हाँ बिल्कुल यही हैं सब लोग तो चलो सेशन अपना स्टार्ट हो चुका है कौन सा यहां पर मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं जैसे अभी आप सबको पता है कि भी हमारा कल ही हाँ कल मेंस था एसएससी जेई का मेंस था आप सबने पेपर देखा होगा ठीक और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यार जितना पढ़ाया गया क्योंकि इतना पेपर आसान था कि मैक्सिमम चीजें आपके नोट से ही आई होंगी आपके जो अगर दोस्त यार जो अगर पढ़ रहे होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं नंबर आप क्वेश्चन बताऊंगा मैं जिसको मैं बार बार इंडिकेट करता हूं कि यार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे तो यहां पर आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो चलो एक सुंदर सा और मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करता हूं महान कार ताकत से नहीं महान कार ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है कंसिस्टेंसी आपको एक चीज बता दू गुड इवनिंग सागर रमाकांत एक लगातार मेहनत करने से होता है इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे मैं एक रीजन बता दूं कि आप एक दिन पढ़े आठ घंटे अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे समझ गए ना तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अब लेकिन अगर आप चार चार घंटे ही डेली पढ़ रहे हैं चार चार घंटे ही डेली पढ़े कंसिस्टेंसी मतलब अगर एक बार खाना खाना भूल जाइए लेकिन ये चार घंटे हमको पढ़ने हैं तो पढ़ने अभी आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम है यार देखो एमपी में तो है ही है एम के बाद आपका एस एस है एस एस के बाद डी डी ए है डी डी ए जे है डीडीए जेई के बाद और आपका अभी कौन सा यूपी टबल एस आने वाला है मैं इस वजह से बता रहा हूँ रेलवे आपका आने वाला इतने एग्जाम है यार क्वालिफाई करने वालों के लिए बस एक ही एग्जाम एक ही सीट चाहिए होता है बाकी ये तो कहने वाले कहते रहते वैकेंसी तो नहीं आ रही रोने वाले रोते रहते हैं करने वाले करके निकल जाते हैं तो आप जितने भी मेरे यहाँ पर हैं भाई उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप मेंस दे के आए हैं अच्छी बात है लेकिन फिर से तैयारी में लग जाइए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो आपका पेपर बहुत खराब हुआ हो आप टॉप कर जाए सिलेक्ट हो जाए आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो ना हो पाए किसी रीजन से क्योंकि यहां मेरे पे नहीं मैं तो अपना पेपर कर आया हूं ये टोटल जोर किस पे है जो कॉपी चेक करेगा समझ रहे हो ना सागर तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग फिर से मेहनत करेंगे ठीक है इसमें जो आएगा आएगा लेकिन मैं नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड हूं बस हो गया यहां पर अगर आपने अभी तक अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए यहां पर करंट अफेयर करंट अफेयर वगैरह चीजें मिलती रहेंगी और देखिए अगर आप आर आर जेई के लिए ओरिएंटेड ओरिएटेड या तो मिशन सक्सेस एस एस जेई के लिए ओरिएंटेड है या तो आप हाँ हाँ डी टेबल एसवी जेई का भी पेपर होना है हाँ बिल्कुल सही बात है आर तो अगर इनका बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं भाई अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं अभी तो डबल वेलिडिटी भी चल रही है कोर्स इतने नहीं खरीदना ये आपको मिलेगा इक्कीस सौ रुपए का मिलेगा और लेकिन कम मिलेगा अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई वाई फाइव सेवन नाइन आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा तो आप जाइए अपने आप को अगर अपने टारगेट को पाना चाहते हैं जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं तो मेहनत आपको ही करनी है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और ये जो पेपर में लेकर आऊंगा जो भी क्वेश्चन होंगे ना बहुत ही इफेक्टिवली होंगे और बहुत ही जोरदार होंगे स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए अब मैं ये सोच रहा था आप लोग थोड़ा सजेस्ट करिएगा मैं अब यह सोच रहा था कि मैं अब एक दिन में केवल दस क्वेश्चन कर ओनली टेन और वो टेन क्वेश्चन में से वो टेन क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन आया उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लेकर आया उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दूसरा क्वेश्चन लेकर आया उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे किया जाए अरे वाह हाइड्रोलॉजी यार बहुत तगड़ा आंसर देखो ये दो तरीके से किया जा सकता है एक तो पहले क्या दिया गया इफ द कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ये क्या है 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 ये क्या आपका सीयू कितना है आपका है एंड कोफिशेंट ऑफ करवेचर कोफिशेंट ऑफ करवेचर देखिए एग्जामिनर ने चाहता तो यहाँ वन कर सकता था सूरज भाई यहाँ वन लिख सकता था लेकिन उसने यूनिटी इस वजह से लिखा ताकि आपको दिखे नहीं ठीक अब इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है डीट थर्टी बाई डी टेन इसमें क्या होता है रूट ऑफ दी यू सी 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 यू सीसी यहां पर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू वन रूट निकालेंगे 5 answer आ गया. और कुछ इससे भी तगड़े वाले स्मार्ट बच्चे कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सी यू इजल टू क्या होता है डी सिक्सटी बाई डी टेन और सी सी बराबर क्या होता डी स्क्वायर थर्टी

वेल ग्रेडेड सैंड शुड है कहा से कहा तक लाई करेगा One, two, three. ये किसकी बात कर रहा है मेरे भाई ये सैंड की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ भाई मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ आंसर क्या आएगा मैं इसके पहले जा रहा हूँ कि और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है अब मैं आपकी बात करू सी यू इज ग्रेटर दैन फोर और योर सीसी इज वन टू थ्री देन आंसर विल बी सैंड ग्रबल और ग्रेवल, ग्रेवल और ये, ये तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं ये सैंड के लिए हो गया ये ग्रेवल के लिए हो गया अब इसमें से कौन सी चीज नहीं मिल यूनिफॉर्मली ग्रेटर इफेक्टिव साइज ग्रेटर भाई सी वाला नहीं सही बी वाला सही अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहां पर ये यह के लिए सैंड में कितना तो ये किसमें चला जाएगा यहां पर ग्रवेल वाले के पास समझ गए ना के लिए than four हो जाएगा याद रखिएगा अगले क्वेश्चन मूव करते हैं भाई मेरे भाई ये दिलोसिटी ऑफ फ्लो द एवरेज बिलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉयल ये आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ठीक ना? अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नोन एस क्या बोलते हैं इसको बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा चलो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई टाइम नंबर करना सी पार्ट कोफिशिएंट ऑफ पर गुड इवनिंग अनु तो यहां पर ये यह क्या है जब आपका वाटर किसी भी सोयल मीडियम से नीचे जाएगा यहां से यहां तक करेगा तो उसको क्या बोल देते हैं ऑफ द बोल देते हैं याद रखिएगा है क्यों बराबर क्या होता C -I -A. अभी टेस्ट जो आया था ना यहां से आपका मेंस में क्वेश्चन आया था यहां से क्या था आपका मेंस में क्वेश्चन आया था I इक्वल टू क्या होता है H एच बाईल होता है ठीक ना एरिया आपको पता है C आप निकाल लेंगे डिस्चार्ज आप फाइन कर लेंगे ओके बात अब यहां पर स्टोक्स ला किसके लिए फाइन करता है ला किसके लिए वैलिड होता है द पार्टिकल बता दीजिए पार्टिकल की साइज बता दीजिए कितनी होती है पार्टिकल की साइज बता देंगे कहां से कहा तो किसके लिए अपल होता है बता किसके लिए होता, लेमिनार टर्ब्यूलेंट ट्रांजिशन किस फ्लो के लिए होता है जो आपका ये डार्सी होता है ना लिए होता है के लिए होता है लेमिनार के लिए होता है आपको, आपको पढ़ना होगा सूरज भाई का आंसर आया बाकी सागर तुम बताओ ये आंसर क्या है सूरज तुम भी मेन्स दिए थे ना क्यों नहीं सागर उसकी पूरी की पूरी रेंज बताना है एग्जामिनर लिख देता है पूरी की रेंज बताइए सी इक्वल टू अरे Q इज क्वाल टू सी ये या यहां से आप बिलोस्टी फाइंड कर सकते हैं सी रूट ऑफ द आर एस ठीक ना कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है डार्सी वाले से हाँ एकदम सही है सूरज कैसा हुआ पेपर तुमने बताया नहीं यार ये आंसर बता दो ये आंसर बताओ पेपर कैसा अच्छा यहां पर कितने ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस का पेपर दिया है एक तो सागर ने दिया है यार कमाल मोरे ख्याल मेरे ख्याल से आप सही बता रहे हो पॉइंट ट्रिपल जीरो टू से पॉइंट टू होना चाहिए क्यों एक बार चेक कर लो सूरज सागर एक बार पहले इसको चेक करो क्या ये सही बात बोल रहे हैं क्या एकदम सही कमल बोल रहे हैं पॉइंट ट्रिपल जीरो टू पॉइंट टू सागर सर मोड में आने में थोड़ा टाइम लगेगा छोटे छोटे पॉइंट भूल गए अरे फिर आ जाएगा अरे यार ऐसी कोई बात ना ऐसी कोई बात ना आ जाएगा इसका आंसर बता एट कंसिस्ट कंसिस्ट द द द द द टू टू लेयर 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 एक रख रहा मेरे भाई ओके टॉप हैज के के एंड बॉटम यूनिट इफ थिकनेस थिकनेस बोथ इज इक्वल एवरेज प्रोबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है इन वर्टिकल डायरेक्शन

ये बताइए अगर मैं इसके नीचे मुझे स्टोक्स लगाना है मेरा मन है कि लगाऊं यार मैं तो लगाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए सरकार निकाल लीजिए इसका क्या होगा ऊपर हो टू हो जाएगा नीचे अगर यहाँ यहाँ भी फाइव का मल्टीप्लाई कर दो तो सिक्स बाई फाइव हो जाएगा टेन बाई सिक्स हो जाएगा फाइव बाई थ्री हो जाएगा फाइव बाई थ्री है क्या आंसर में 5 बाई थ्री आएगा सही है ओके okay, एकदम सागर ब्राउनियन मोशन स्टार्ट हो जाएगा रामजीत दास एकदम सही जवाब है सेटअप यहाँ पर मतलब वो पार्टिकल जो होंगे ना एकदम छोटे छोटे इनको आप भी बैठाल नहीं पाएंगे समझ गए ना जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहे तो शांत बैठ जाओ तो नहीं बैठेंगे वो भागते टूटते रहेंगे क्योंकि समझदारी कम है इस वजह से अब यहां पर आपने देखा मतलब क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन मैं बताऊं यहां गलती कहां आप करेंगे गलती यहां करेंगे एच प्लस एच को क्या करेंगे इसको जोड़ना भूल जाएंगे आप इसको क्या करेंगे जोड़ना भूल जाते हैं ये आंसर ये दिक्कत आती है या तो यहाँ रिवर्स करने में आप प्रॉब्लम कर जाते हैं बारह बड़े पांच कर देते हैं इन्होंने ऑप्शन सही नहीं सेट किया था बाकी ऑप्शन मैं सेट करता तो जितने भी आप गलत करते सारे के सारे आंसर आते हाँ इससे ज्यादा आ जाएगा टर्बुलेंस आ जाएगा बस मुझे देखिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेशन में चाहे पांच लड़के आए लेकिन जितने भी आए ना यार सब सिंसियर पढ़ने वाले आए क्योंकि अगर मेरे पांच लोगों का भी अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत है ये बता दीजिए फ्लोनेट अब फ्लोनेट पर मीटर लेंथ एंटी आपका, आपका इतना दिया गया है तो एनडी आपका इतना दिया गया है थ्री बाई थर्टी फॉर्मिलिटी वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स है

डी पार्ट हाँ। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था कि थर्टी बाई थ्री होगा कि थ्री बाई थर्टी होगा इसके लिए क्या है देखिए ये जो फ्लो है ना जो इस डायरेक्शन में हो रहा है ये अपान में ये वाला फ्लो वो अपान में ये वाला फ्लो ये वाला फ्लो अपान ये वाला फ्लो।, फ्लो, फ्लो याद रखिएगा यहां पर ये जो है ये थ्री है और ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो फोर्टी थर्टी है ठीक ना इन दोनों का रेशियो निकालते हैं याद रखिएगा हाँ एकदम सही एकदम सही एकदम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फील्ड टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉयल टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल बताइए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि सूरज से याद है सर हाँ, भी कर सकते हैं ना ये क्या ये फ्लो फ्लो तो यही डायरेक्शन में होता है ये डी ये डी वाला हो जाएगा दोनों इन दोनों का ऑप्शन इन दोनों का रेशियो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा मतलब डिटरमाइन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल देखिए टेस्ट आप में टेस्ट टेस्ट में करते हैं निकालने के लिए। consolidation टेस्ट आप कहा है के लिए लिए कंसोलिडेशन निकालते हैं वाटर को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्स्टेंट हेड फॉर्मोबेलिटी मेथड कॉन्स्टेंट हेड के लिए यूज करते हैं क्ले सॉइल के लिए आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है पंपिंग आउट टेस्ट ये ये आपका क्या होता है ये आपका फील्ड टेस्ट होता है ये क्या आपका होता है फील्ड टेस्ट होता है ये क्या होता है फील्ड टेस्ट होता है ये क्या होता है आपका फील्ड टेस्ट होता है और कॉन्स्टेंट हिट आपका कहे का होता है लैब लैब टेस्ट टेस्ट का होता होता है है और किसके लिए होता है क्ले के लिए। कहे के लिए अगले क्वेश्चन मूव करते ये बता दीजिए द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिनोटेड बाय हर बच्चे को पता होगा कि यहां पर ये कैपिटल इस्मे है। है से स्माल से पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पूछा था अच्छा इसकी यूनिट बता दीजिए आप लोगों को पता हो तो इसकी यूनिट क्या होगी एकदम सही बात है अच्छा एक चीज ये बताओ आप लोग आप लोगों को सेशन बढ़िया लगता है ये बहुत मजा आती है पढ़ने में लेकिन आप ना थोड़ा सा यार और थोड़ा सा क्राउड और आपके यार दोस्त जो है ना उनको भी बताओ यार ऐसा नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई काम चल ही नहीं पाएगा यार अपना एटलीस्ट यार होने चाहिए भाई पचास कम से कम पचास तो होने चाहिए और ये कहां से आएगा आप में से आएगा ये क्या हाइड्रोलॉजिकली सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सर्च कर लेना एकदम सही सूरज एकदम सही सर्च कर लेना एक कौन कौन से यहां टेस्ट थे एक कांस्टेंट था एक और कौन सा टेस्ट था एक कांस्टेंट हेड हो गया एक और कौन सा था कांस्टेंट्स या तो कोर्स बनाए थे यार हम लोग हाँ सही है कॉन्स्टेंट से आपका क्या होगा कोर्स होगा और फॉलिंग हेड से क्या हो जाएगा फाइन टेस्ट हो जाएगा फाइन फाइन क्ले या फाइन सॉइल हो जाएगा हाँ सही बोले सूरज एकदम यार सही है फॉलिंग हेड फाइन के लिए है ना यहां से एफ से एफ रिलेट कर लो और ये सी से क्या कोर्स से क्या रिलेट कर लो कोर्स सी से सी एकदम सही है वेरी गुड बस ऐसे हो जाता है कभी केक यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके हाँ, हाँ एक है एकदम सही है सूरज सही है फॉलोइंग इज द लीस्ट परमिबल सबसे लीस्ट परमिबिलिटी किसकी होगी हर बच्चे को पता होगी कौन सा स्टिप क्ले की होगी स्टिप क्ले की सबसे ज्यादा किसकी होगी आपका ग्रेवल की होगी इसमें किस मैक्सिमम किसकी होगी ग्रेवल की होगी अब इसकी कितनी होगी ये मुझे बता सकता कोई इसकी कितनी होगी बता सकता मुझे कोई सर मेरा डाउट ऊपर है क्या भाई तुम्हारा डाउट ने जब पंपिंग टेस्ट में इफ डिप्रेशन हेड ना दिया हो तो इल वन मीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे ना एनभी हाँ बिल्कुल जब नहीं दिया तो क्या करेंगे नहीं दिया तो वन मीटर के लिए करेंगे करेंगे के लिए बहुत बढ़िया बहुत सबका आंसर सही ये बता दीजिए कीपिंग द कंपैक्शन करो इन माइंड में अपने मतलब अपने दिमाग में रखना है जिसके पास है वही दिमाग रखे अदरवाइज नहीं द सॉइल दैट इन द वेट पार्ट क्या होगा वेट पार्ट में क्या होगा इट इज यारतफेक्ट स्ट्रक्चर हमने सुना ही नहीं मोर द ऑप्टिम एरिया सीयर इज कैपेबल नहीं यार सीयर वेयर की कहाँ तुम बात कर रहे हो यार यारियर की कहाँ बात कर रहे हो नो ऑप्टिमम एरिया हैज हाई परमेबिलिटी देन ड्राई पार्ट ड्राई पार्ट के कंपैरिजन में जो वेट पार्ट है ना अच्छा हाँ कल कल लड़के बता तो थे डिप्रेशन हेड नहीं दिया था हाँ बिल्कुल नहीं दिया था लेकिन आप मेरे हिसाब से तो ऐसे कर सकते थे यार एच इजल टू एच टू माइनस एच वन बाई टी कर सकते थे यार बाकी ये करने की जरूरत नहीं थी ये करने की जरूरत नहीं थी वही ठीक नहीं दिया था तो क्या करेंगे वो गलती उसकी थी पर अब आपका कौन सा ऑप्शन ए पार्ट सबका सही है, ए पार्ट देखिए अगर मैं परोबिलिटी की बात कंपैक्शन की बात करूं कीपिंग द द कंपैक्शन हाई करू की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो हैं एक वेट पार्ट है एक आपका ड्राई पार्ट है ठीक ना तो अगर देखा जाए कि परोबिलिटी किधर ज्यादा होगी वेट पार्ट वाले में कंपेयर टू द ड्राई पार्ट याद रखिएगा ये अगला क्वेश्चन ये देखिए ना ये हायर एफर्ट बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और एक गरीब आदमी जो कम एफर्ट लगाएगा तो यहां से देख सकते हैं हाई एफर्ट वाले की क्या होगी ड्राई यूनिट वेट गामा डी क्या होगी गामा डी ज्यादा होगी कम एफर्ट वाले की और ये भी देख सकते हैं कंपैक्शन वाटर कंटेंट जो है ना किसमें कम होगा आपका हायर एफर्ट वाले में अभी इससे एक का आ जाएगा इसको क्या बोलते हैं ये वाली जो लाइन खींचते हैं जीरो एयर लाइन जीरो एयर वॉइड्स लाइन ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया चुका है जीरो एयर वॉइड्स लाइन इसमें जरूर पढ़ लेना मेरे भाई यहाँ से वन क्वेश्चन आपका फिक्स होता है यहाँ से आपका वन क्वेश्चन फिक्स होता है चलो आगे चलते हैं ये बता दीजिए कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या करना है कंपेयर करना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का द रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होगा मतलब किस पे कंपेयर करना स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का किससे मॉडिफाई का स्टैंडर्ड टेस्ट मॉडिफाई टेस्ट क्या होगा मोर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट यार सेम ऑप्टिमम नहीं यार ये ऑप्टिमम कंटेंट इसकी बात ही नहीं कर रहा ये डेंसिटी की बात करेगा भाई मेरे हाँ बिल्कुल एकदम सूरज एकदम सही बात बोल रहे हो सागर हंड्रेड परसेंट लाइन भी बोलते हैं एकदम सही जीरो या तो जीरोड पर दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों को सेम बोलते हैं ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है तो यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं पहले तो यहां पे आप पहले देख लीजिए अगर इसको मैं ग्राफ से भी दिखाना चाहूं ना तो अगर मैं यहां पर भी इसको अगर इस तरह से दिखाऊं तो आप बताइए इन दोनों में मैंने क्या बताया अगर ये डेंसिटी है ड्राई डेंसिटी है अगर ये ड्राई डेंसिटी है तो इसके लिए तो ये आएगा और इसके लिए क्या आएगा ये आएगा तो इसमें किसकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा हुई आपकी ये मॉडिफाइड वाली ये लिखा ना मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट ये लिखा ना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट आप इसको क्या करें ये ऐसा एक फिगर है कि जिसको आपको याद रखना रखना है क्या करना है इसको याद रखना रखना है यहां पर क्या होगा लो एफर्ट में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट हाई एफर्ट में देखिए ना गामा डी आपका इंक्रीज हो गया मैं यही चीज दिखा रहा था कि डेंसिटी डेंसिटी सिंपल बात है आपका ज्यादा होगा यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में चीजें आएंगी द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट अगर आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है ना वॉल्यूम ऑफ मॉल मॉड्यूल होता है या माउल की बात किया जाए हंड्रेड सीसी सॉरी थाउजेंड सीसी कितना सीसी सी थाउजेंड सी और वेट जितने फ्री हाइट से फॉल करते हैं ना ये टेन तीन सौ दस एम एम होता है ये साढ़े चार सौ भी ऑब्जेक्टिव में आपका लेयर कितनी होंगी थ्री होंगी यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर फाइव होंगे देखिए जब भी मॉडिफाई किया जाएगा नंबर ऑफ आप लेयर आपकी फाइव हो गई और इस पर लोड कितना लगाना पड़ा आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं पता क्या जितना लोड हुआ जितना आप लोड लगा रहे हैं उतनी ही लेयर जितनी लोड उतना लेयर जितना लोड उतना लेयर दो चीजें और ब्लाउज तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ब्लाउज क्या है मतलब ये कुटाई करना ही ब्लाउज कहलाता है बस ये चार पांच चीजें आपके लिए याद करना है ये याद रखिएगा देखिए पहले हमने कितना था पहले हमने कितना लेयर बनाते थे पहले नंबर ऑफ लेयर थ्री थी तो भाई अब इसको मॉडिफाई करके कितना किया गया फाइव किया गया जब ये था तो वेट फ्री फॉलिंग कितना था कितना था फ्री फॉलिंग आपका टू पॉइंट सिक्स के जी ए भी पांच के करीब होगा फोर पॉइंट नाइन के जी अगर आप इतना याद कर लेंगे तो ट्रिक्स आपको याद भी हो जाएगा मेरे इंक्रीज अमेरिकन अरे वाह यहां पर गलत लिखा क्या क्यों सागर अगर स्टैंडर्ड प्रो नौ सौ पैंतालीस हो सकता है हो सकता बिल्कुल अगर आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं नाइन फोर सी सी थोड़ा सा तो थो बड़ा होगा लेकिन चेक कर लेंगे इसको आखिर बनी एक बार इसको चेक कर लेना समझ गया ना एक बार चेक कर लेना सिंपल सी बात है एक बार चेक करना तो बनता बनता है अपना अगला क्वेश्चन बता दी ड्यूरिंग कंपेक्शन एक्टिविटी के दौरान क्या बाहर निकलता नाइन फोर्टी फाइव तो नाइन नाइन फोर्टी फोर अगर मान रहा ना तो शायद उसको अप्रोक्स आपने वन मान लिया सीसी मान लिया इसके बता दीजिए ड्यूरिंग कंपेक्शन एक्टिविटी कंपैक्शन एक्टिविटी के दौरान क्या होता है देखिए सिंपल सी बात हाँ बिल्कुल सही बात है दोनों ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से आपको सेट करना समझ गए ना एयर एयर है वाह की वाणी बहुत बढ़िया रिमूव होता है। और आप सबको बता दू जितने भी यहां पर मेरे पेड़ बैच के स्टूडेंट होते हैं ना यहाँ पर जितने भी मेरे पेड़ बैच के स्टूडेंट हैं उनको बता दू आज आपका ना इरीगेशन स्टार्ट होगा आज आपका क्या स्टार्ट होगा इरीगेशन इंजीनियरिंग अब स्टार्ट होने जा रहा है वो भी पेड बैच में आठ बजे से नौ साढ़े नौ बजे तक अब जब तक आपका मन होगा पेड बैच में तो आज ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है क्या ये आज ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपके लिए तो जिन जितने भी हैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये आपका कौन सा बैच होगा आर आर बी जेई और जेके ट्रिपल एक्स बी बैच के लिए है ठीक ना यहाँ पर चीजें टू द पॉइंट पढ़ाई हाँ जाएंगी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर एकदम सही बात है यहाँ पर एयर रिमूव करेंगे अगर यहाँ पर सॉयल तो भाई नहीं पोर वाटर अगर स्पेल करोगे तो अगर केवल वाटर स्पेल करना हो तो आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा दोनों बातें याद रखिएगा पहले आप कौन सा करते हैं हाईवे कौन हाईवे की स्टडी सीरीज कौन सा वो वाली डीडीए जेई वाली एक्चुअली मैंने उसमें बहुत ऐसे लड़के कह रहे थे सर हमारे डीडीए जेई में नहीं है तो इस वजह से यार उसको सोच के ही बंद करना पड़ा मुझे कि सोच के ही बंद करना पड़ा ये आंसर बता दीजिए इन इनकम्पैक्शन टेस्ट में हाँ बिल्कुल सही बात है एकदम आकी एकदम सही यहां पर क्या है ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप नोट कर लीजिए हजार बार पूछा गया मेरे भाई हजार बार और हजार बार लड़के ये क्वेश्चन गलत करके आते हजार बार पूछा गया और हजार बार लड़के गलत करके आते ही वाला बिल्कुल अरे यार यहां पर इसीलिए तुमको क्या बोलता हूं ये केवल फिगर को बैठा लेना बस ये क्या कर लेना फिगर को बैठा लेना जैसे क्या हुआ इन टेस्ट में एफर्ट इंक्रीज यहां पर लिखा ना मोडिफाई हाई एफर्ट ए, वो। इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात आपका गामा डी बढ़ जाएगा यहाँ पर यार इंक्रीज द मैक्सिम डेंसिटी बट ओ एम सीज डिक्रीज देखिए अब यहां पर अगर इसमें एक परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रा करें

लेते हैं तब भी सही रहेगा देखिए आपको डायरेक्टली इतने में कोर्स नहीं परचेज करना मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितने का दिया तेरह हजार चार सौ निन्यानवे रुपए का जो कि इतने का कोर्स नहीं परचेज करना अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो एक कूपन कोड वाई फाइव सेवन नाइन अगर आप अप्लाई करिए तो देखिए इक्तीस सौ चार रुपए का पड़ रहा है एक साल के लिए इकतीस सौ चार रुपए का पड़ रहा है इकतीस सौ चार रुपए का पड़ रहा है कितने का एक साल का ये बात समझ में आ गया तो अगर आपने ये कूपन कोड यूज करना है अगर आपको ये कूपन कोड यूज करेंगे ना तो आपको मेरे से गाइडेंस में और मेरे ही पढ़ने में पढ़ने का कॉन्सेप्ट का आपको मजा आएगा अपना ही तो और बाकी जितने भी मेरे पेड़ बैच के स्टूडेंट हैं उनसे आप क्लियरली पूछ सकते हैं कि हमारी क्लास किस तरह से चलती है समझ गया ना तो जाओ अपने आप को एनरोल करो भाई कूपन कोड ये जो वाई है ना ये लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इसी के द्वारा आप मुझसे पढ़ सकेंगे यहाँ तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो इसको अब आपको बैठा लेना है दिमाग में तो क्या हुआ अबिदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर वाले पेपर में क्या हुआ है आखिर क्या मतलब कोई प्रॉब्लम हुई क्या वहां वाले पेपर में जेके एस अरे यार अभी क्लास पे ही आपकी क्वेरी में सॉल्व कर दूं चलो तो इसका आंसर बताओ सीधे से आधा हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा अरे अभी बता दे रहा हूं आधा हो जाएगा करवा दू अभी तो लो एक मिनट में करवा भी देता हूं क्या क्वेश्चन है देखिए अस्सी हजार दिया गया कितने जीरो तीन दो पांच जीरो तीन दो पांच जीरो ठीक है ना अब ये कह रहा है कि अगर दस परसेंट इयरली डिप्रेशन कुछ है ही नहीं दस परसेंट क्या हो रहा है ईयरली डिप्रिसिएशन हो रहा तो इसका दस परसेंट निकाल लीजिए दस बटे सौ इंटू एट इंटू टेन टू पावर फाइव यहाँ से, से पांच साल में आठ पैं चालीस इसका आधा हो जाएगा चार फोर इंटू टेन पावर फाइव यही तो आएगा सागर अब मुझे पता कुछ बच्चे ये करके आए कुछ बच्चे जो करके आए है ना वो पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड इंटू एन भैया ये रेट नहीं गिवेन था ये रेट नहीं गिवेन था कुछ सर ब... अपने आपने कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से डिफरेंशिएट फॉर्मूला है डिफरेंट फार्मूला हाँ तो यही तो आएगा एन का वैल्यू फाइव ये हो तो गया कुछ बच्चे यहाँ से करेंगे तो वो गलत हो जाता है वो गलत हो गया ये सही है मिनट कहां बुक वैल्यू ज्यादा आ रही है सागर जी कहां आ रही है ये टू टू है फिफ्टी परसेंट आ रही है कहा ज्यादा कहां आ रही है अब बताओ और बाकी लोग को समझ में आ रहा ना क्या बता रहा हूं एकदम सही है 40 mm, 40 mm, सैंडी के लिए होगा क्ले के लिए देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो इसको कैसे समझ सकते हो तो अगर कहां आ रही भाई मेरे ज्यादा हाँ उससे ज्यादा आ रही है उससे ज्यादा आ रही है ये वाले मेथड से अगर कर करोगे तो ज्यादा आ रही है ये बुक वैल्यू ऐसा निकालो ना यार एकदम सिंपल सा है एकदम सिंपल सा है अभी और एक क्वेश्चन बता रहा हूं यार ऋषभ यार बीएमसी क्लास तो नहीं स्टार्ट होने वाली थी यार देखिए सैंडी सॉयल है जो आपकी सैंडी सॉइल में लेस सेटलमेंट होता है और क्लेई सॉयल में ज्यादा सेटलमेंट होता है इसीलिए आपने जब भी सॉइल पढ़े थे आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन ये वाला तो क्ले में सेटलमेंट निकालते हैं आपका क्या होगा डी पार्ट होगा अरे मैं बताऊं यार इतना पेपर इनको बनाना ही नहीं चाहिए यार इतना आसान सर क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई नहीं किया था परसेंटेज दिया है और परसेंटेज दिया है तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से किया अरे ठीक है आप किए अब उसमें जब कुछ स्पेशल दिया ही नहीं तो क्या करोगे जब कुछ दिया ही नहीं गया है तो क्या करोगे एकदम अरे वाह कि बहुत बढ़िया लिए पच्चीस और चालीस सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग सही मेथड यही वाला लग रहा था जो एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहा था सॉरी और एक चीज आपने ध्यान दिया था एक OHD वाला क्वेश्चन था इनमें तो मैं इनके नाम केस कर सकता हूं पता ना इनके नाम केस कर सकता हूं नाइनटी समथिंग था इसके बाद ओवरटेकिंग जो स्पीड थी ना पांच बटे छह निकाला निकाला निकाल रहा था कितना हो जाएगा छोड़चक्कर छियानवे और पंचासी आंसर केवल ये था इतना था

थ्योरी अगर वन ट्वेंटी का था कुछ बच्चों को समझ ना आ रहा होगा कि मजाक कहा का चल रहा है ये कल वाले मेंस का मजाक चल रहा है एकदम सही सागर तो मेंस का मजाक चल देखिए अगर आपने एक सौ अस्सी नंबर का न्यूमेरिकल किए हैं तो यहां जोड़ लीजिए कितने नंबर का है मैं मान रहा हूं कि आप आराम से एक सौ तीस उस नंबर पर आ जाएंगे एक सौ तीस से एक सौ अस्सी एक सौ सत्तर नंबर तक ठीक ना एक सौ तीस से सत्तर अगर यहां, पा तो यहां पर आ गए तो यहाँ पर मैक्सिमम मानिए पचास से साठ पचास से अस्सी भी पा सकते हैं टीचर पे पगलापन पे डिपेंड होता है अगर टीचर दुखी है तो आपको नंबर काट देगा टीचर अगर सही है तो नंबर दे देता है है समझ गए और यहां पर क्या अगर आप इन दोनों को ऐड करिए तो तेरा पांच एक सौ अस्सी से कितना हो जाएगा आठ सात पंद्रह दो सौ पचास ये कर सकते हैं जब आप तीन सौ में तीन सौ का पेपर अटेम्प्ट किए होंगे तब से हाँ बस 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 जिसके थ्री हंड्रेड प्लस नंबर आ रहे हैं वो सेफ साइड है लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए याद रखिएगा कब क्या हो जाए आपको अपनी तैयारी ना अब और बूस्टअप लेवल पे करना एकदम मतलब जिंदगी का जब तक नौकरी नहीं मिल जाना तब तक तब तक हमको रुकना नहीं है समझ गए जब तक नौकरी नहीं वही हाल है जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बस जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन सारी बुक को ले जाके आग लगा दूंगा लेकिन उसके पहले मुझे पढ़ना है ये सबसे मैं बोलता हूं

अगला क्वेश्चन बता दीजिए द फुटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? को और जवाब दो। मेरे भाई एक बार को सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिएगा अगर मजा आ रहा पढ़ने में तो बिल्कुल एक सौ साठ से एक सौ अस्सी आ सकता है कोई सागर एक चीज मैं बता दूं मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है जब सिलेक्शन होना होता है ना हो जाता है और जब नहीं होना होता कि तो लाख मेहनत कर लो कुछ नहीं होना चलो तो इसका क्या होगा? इस फुटिंग। इस, पाइल फुटिंग में क्या होता है पाइल फुटिंग जैसे नीचे पानी वानी है तो भाई यहां पर पूरा वाटर वाटर है वाटर है या तो आप कह है सकते हैं यहां पर रेत वगैरह है तो यहां पर क्या कर सकते हैं एकदम पाइल बना के एकदम पाइल बना के कर सकते हैं पाइल फुटिंग पीअर फुटिंग डीप फाउंडेशन भी इसको बोलते हैं यहाँ पर तो देखिए ये मैट फाउंडेशन ये मैट फाउंडेशन देख रहे हैं ना पहले जमीन के नीचे क्या करिए आपने पहले जमीन के नीचे आपने क्या किया जमीन के नीचे पहले आपने आरसीसी का बना दिया फिर इसके बाद क्या किया आपने यहां से को मैट फाउंडेशन बोलते हैं में में देख लीजिए यही केवल दो ही आप उठा रहे हैं ये आपका ये हो जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग आपकी कुछ इस तरह से होगी देखिए यहां पर मैं इस तरह से आपका सब दर्शन करवाता रहता हूं ना ये सारे फिगर वगैरह अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है हाँ जगू भैया सही बात बोली सर एकदम देखिए मैं इस वजह से सारी चीजें होती जब हम किसी को देखते हैं किसी लड़की को देखते हैं तो बार बार उससे प्यार हो जाता है मैं इसीलिए सब फिगर वगैरह देखना कितना सुंदर फिगर लेकर आया हूं शायद इसी से तुमको प्यार हो जाए यार समझ गए ना शायद इसी से आपको प्यार हो जाए प्यार ही तो करना है देखिए ना ये मैट स्ट्राइट फुटिंग देख लीजिए ये स्प्रेड फुटिंग ये दो को जोड़ रहा है पैट फुटिंग बोल देते बार बार देखने मैं इस से आपको बोलता हूं ना यार कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारे सब्जेक्ट लेकर आता हूं। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं या एक भी सब्जेक्ट लेकर भी आ सकता हूं यहां पर आपको मजा आने वाली जैसे आपने दस तरह के क्वेश्चन देखे कुछ में चीजें याद आ रही हैं कुछ में नहीं आ रही उसके साथ ही मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दे रहा हूं चलिए आगे बात ये ये आंसर बता दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ द साइलो फाउंडेशन का कौन सा एग्जांपल है पे फाउंडेशन से मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। कपिल इधर मतलब कौन सा साइलो फाउंडेशन का एग्जांपल है यार कौन सा आंसर आपका सही होगा देखिए पियर फाउंडेशन या वेल well फाउंडेशन या तो पाइल फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन यहां पर क्या है राफ्ट फाउंडेशन अगला क्वेश्चन बता दीजिए हुई टाइप ऑफ द फाइल सुटेबल वेयर द अपर पार्ट ऑफ पाइल के अपर पार्ट में इज टू प्रोजेक्ट अब वाटर टेबल वाटर टेबल के ऊपर है वाटर टेबल के ऊपर है तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा भाई थोड़ा जल्दी करें थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी किया जाए पाइल इज द वाटर टेबल के ऊपर होगा कंपोजिट पाइल करें कंपोजिट पाइल होता क्या नीचे स्टील लगा दिए इसके ऊपर आप कंक्रीट डाल दिए नीचे स्टील ऊपर कॉन्क्रीट इसको क्या बोलते हैं कंपोजिट पाइल बोलते हैं इसको देखिए कॉन्क्रीट और टिम्बर नीचे टिम्बर ऊपर कॉन्क्रीट इसको क्या बोलते हैं कंपोजिट पाइल बोलते हैं याद रखिएगा स्टील और टिम्बर का साथ हो सकता है स्टील और प्रीकास्ट का फाइल समेशन हो सकता है दोनों चीजें देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन बात की बर्डन गेज मेजर बर्डन गेज मेजर क्या मेजर करता है

तो आप सबको पता होना चाहिए पास्कल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यू चेक इट वन किलो है तो आप किलो को वन थाउजेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्क्वाउजेंड न्यूटन पर स्क्वायर न्यूटन ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग यहां गलत करके चले आते हैं समझ गए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड विंड स्पीड कौन मेजर करता है आपका एनिमियोमीटर ठीक है ना एनिमियोमीटर डिस्चार्ज मेजर, मेजर करता अच्छा ओडोमीटर क्या करता है यार याद नहीं आ रहा मुझको ओडोमीटर क्या करता है सेक्शन में बताओ ओडोमीटर क्या करते हैं ओडोमीटर क्या फाइंड करता मुझे याद नहीं आ रहा आप बताएंगे इसका आंसर पिटॉट ट्यूब आपका क्या फ्लो बिलोस्टी एट अ पॉइंट डिस्चार्ज डिस्चार्ज तो नहीं करता प्रेशर नहीं करता फ्लो डिस्चार्ज बिलोस्टी एट ए पॉइंट लो को भी डिस्चार्ज ही बोलते हैं मेरे भाई बैरोमीटर इसे यूज करते हैं डिस्चार्ज बहुत वगैरह सारा कुछ इसी के रिलेटिव आता है ये बता दीजिए बैरोमीटर क्या मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग या डिस्टेंस थोड़ा ना मेजर करता स्लोप नहीं करता स्लोप ऑफ लाइन नहीं करता विंडस्टिक एनिमियोमीटर करता एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका आंसर होगा व्हील के रोटेशन को वेरी गुड डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस ओके okay, ओडोमीटर हमारा सर्वेइंग वाला है क्या सर्वेइंग वाला ये तो हेलो सियाचिन बहुत लेट आए आप अगले क्वेश्चन बात करते हैं ये बता दीजिए द ओवर फ्लोइंग सीट ऑफ वाटर ऑन ऑनर इज द कॉल द ओवर फ्लोइंग सीट ऑफ वाटर ऑन ऑनअर इज द कॉल ओवरफ्लो सीट ऑफ वाटर ऑन वियर किसी भी वियर पे जो ओवरफ्लो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं नेपी बोलते हैं नेपी बोलते हैं ओवर फ्लोइंग सीट ये ओवर फ्लो सीट है समझ गया ना ये क्या ओवर फ्लोइंग सीट है ये अपर वाले पी बोलते हैं ये क्रिस्टेड ईयर देखिए ना ये, ये कुछ इस तरह से बना है तो सार्व ईयर हो गया आपका ओके ईयर हो गया। अब देखिए ये आपका विनोच वियर हो गया ये सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर हो गया ये कॉन्ट्रेक्टेड रेक्टेंगुलर हो गया सार्प क्रिस्टेड टाइप बता रहा हूं मैं हा हा पता है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए यहां पर कोई भी यहां पर क्या है कोई भी कंस्ट्रक्टेड या अवरोधक नहीं है यहां पर क्या है ये एक अवरोधक है ये आपका एक अवरोधक है समझ गया ना ये आपका क्या है ये आपका अवरोधक है अवरोधक मतलब क्या इसको रोक रहा है डिप्रेस कर रहा है तो यहां पर आपका ये अगर कहा कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगुलर हो तो बता सकते हैं कहां पर सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर सपेडियर है तो आप ये बता सकते हैं सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं मेरे भाई ठीक ना इसके बाद अगला है हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता भाई मेरे हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है लिक्विड ठीक ना फाइंड करता है अगले क्वेश्चन बात किया जाए पैरामीटर इज मेजर विद हेल्प ऑफ द एल्बोमीटर एल्बोमीटर क्या है डिस्चार्ज है आपका एल्बोमीटर क्या है डिस्चार्ज है अरे वाह बहुत बढ़िया अंकुर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए सबको अच्छा एक्सीन कौन एक्सीन कौन, कौन मेजर करता है ये बता दीजिए कौन मेजर करता एकदम सही है सब प्रश्न अरे यार सिंपल सी बात है अगर यहाँ पर यहाँ से टोटल पानी निकल रहा है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा और यहाँ पर आपने इसको रुकावट के लिए कुछ इस तरह का बना दिए तो पानी तो रुक रहा है ना माइनस एन, एन कुछ इस तरह से माइनस करते हैं यहाँ पर एक्सीलेशन किससे मेजर करते हैं ये बता दीजिए आप यहाँ तो डी पार्ट सबका सही है द फॉलोइंग मेजर विद डिस्चार्ज मेजर करता है अगले पार्ट में बता दीजिए यही बहुत ज्यादा चैनल आउटलेट एंड पैरेंट चैनल तो यहां पर यह जो कह रहा है क्या कह रहा है डिस्चार्ज मैं अगर बात करूं डिस्चार्ज की क्यू क्यू अपॉन इसके रेशियो को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसके रेशियो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसके रेशियो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं पर आपको कही न कहीं ना कहीं चीजें मिल भी जाएंगी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सेंसिटिविटी ही दिखाया गया अच्छा ये देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है ये फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप याद रखेंगे क्यों मेरे भाई डी क्यू बाई क्यू फ्लेक्सिबिलिटी कैसे याद रखेंगे दोनों चैनल में डिस्चार्ज का वेरिएशन दोनों चैनल में डिस्चार्ज का वेरिएशन क्या कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है ओके सेंसिटिविटी क्या कहलाता है आप एक में अपान भाई भाई, में डिस्चार्ज वाई वेरिएशन इसको क्या बोलते हैं सेंसिटिव बोलते हैं याद रख लीजिएगा भाई एग्जाम में आता है तो बहुत टफ माना जाता है अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो नाइनटी परसेंट लड़के के चले आते नहीं कर पाते हैं ओके ये हो गया अगला क्वेश्चन क्या करंट मीटर इज मेजर द बिलोस्टी ऑफ द फ्लो इज इट इज हेल्ड करंट मीटर क्या फाइन करता करंट मीटर तो क्या फाइन करता है एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन किसी भी पॉइंट पे जो करंट मीटर है ना ये जैसे फ्लो हो रहा भाई यहाँ से तो आपका मन आप चाहे जहां से कर लें आप क्या करें चाहे जहां से फाइन कर लें मेरा मन था यहाँ से मैंने यहाँ फाइन कर लिया मेरा मन था यहाँ से यहाँ फाइन कर लिया अरे वास बहुत बढ़िया यार

सपोज टू बी बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड द विल बर्न सीमेंट बताइए ये बता दीजिए सबको पता है क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या पता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो आज तक अपना इतना ही सफर रहा आज तक हमारा इतना ही सफर रहा एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ सेशन कैसा लगा आपको मजा आया पढ़ के कई चीजें नई सीखे होंगे क्यों कई ऐसी नई चीजें आपने सीखा होगा कि नहीं मजा आया और एक चीज आपको बता दू मैं कि देखिए अभी डबल एलिडिटी चल रही है ये आज और कल रहेगी रहने वाली है आज और कल रहने वाली है तो देखो जिनको ऐसा लगता है यार तीन हजार कुछ भी नहीं होता जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको कोर्स परचेज करना चाहिए तो जाओ यार अपने आप को इनरोल कर लो और हाँ ये कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा वाई फाइव सेवन नाइन ये कूपन कोड लगाने से आप मेरे गाइडेंस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और हम बहुत चीजें आपकी सारी क्वेरी भी क्लियर करते हैं तो लव यू यार इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया मिलते हैं आपसे कल पांच बजे तैयार रहिएगा एकदम फुल जोश के साथ और यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट ऐसा रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूं ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं अभी तक जब वो ऐसा होगा तो बिल्कुल बताया जाएगा आपका ठीक स्पेसिफाई कुछ भी उठा के रैंडमली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस यहाँ दस क्वेश्चन हो दस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बैंकिंग वाली सियाचिन तुमने क्यों ले लिया सीजल की तैयारी कर रहे हो क्या तो मिलते हैं आपसे कल ओके बाय बाय